दोस्तों, एबीएस के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। एबीएस क्या है और ये कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाईके टेक्निकल्स। वाईके टेक्निकल्स के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाईके टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके लाल सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल की इस टाइम में गाड़ियों का एक्सीडेंट होना एक आम बात है। आपको न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में देखने को मिल जाएगा कि गाड़ियों का एक्सीडेंट होते रहता है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह आती है कि गाड़ियों का एक्सीडेंट होता कैसे है, गाड़ियां आपस में टकराती कैसे हैं। दोस्तों, जब भी कोई भी एक्सीडेंट होने की नौबत आती है तो ड्राइवर तो अपनी तरफ से ब्रेक दबाता है, लेकिन ब्रेक दबाने के बाद ड्राइवर का गाड़ी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता है, इस कारण गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। दोस्तों, होता यह है जब भी कोई एक्सीडेंट होने की नौबत आती है तो ड्राइवर गाड़ी का ब्रेक दबाता है। ब्रेक दबाने के साथ ही गाड़ी के सारे व्हील्स लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के साथ ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी से हट जाता है। गाड़ी में मोमेंटम होने के कारण गाड़ी आगे को घिसटते रहती है और किसी भी दो गाड़ियों का आपस में टकराव हो जाता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ गाड़ी टकरा जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब गाड़ी के जब चारों चारों व्हील या कोई भी टू व्हीलर है तो दो व्हील जब लॉक हो जाते हैं तो इससे गाड़ी से ड्राइवर का कंट्रोल खो जाता है। इस कंट्रोल को बनाए के रखने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे कहते हैं हम एबीएस। एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक से ही आप समझ गए होंगे, एंटी लॉक जो लॉक होने से बचाए उसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस कहते हैं। अब दोस्तों, बात याद है कि एबीएस है क्या। दोस्तों, एबीएस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हम ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम। दोस्तों, एबीएस की मदद से हम काफी हद तक एक्सीडेंट को रोकने में कामयाब भी रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई गाड़ी या फिर कोई बाइक या कार को ड्राइव करते हैं तो अगर एक्सीडेंट होने की नौबत आती है, अगर हमारी स्पीड कम है, अगर हम अचानक से ब्रेक दबाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी आसानी से रुक जाती है और एक्सीडेंट नहीं होता है। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हम हाई स्पीड में होते हैं या हाईवे में गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। इसमें अगर हम अचानक से ब्रेक दबाते हैं तो या तो गाड़ी घिसटते हुए आगे को चली जाती है या फिर गाड़ी पलट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें गाड़ी के व्हील लॉक हो जाते हैं, इसीलिए इसमें हम एबीएस का यूज करते हैं। एबीएस गाड़ी को रोकता तो है मगर गाड़ी के व्हील्स को एकदम से लॉक नहीं होने देता, वो धीरे धीरे करके गाड़ी के व्हील्स पर ब्रेक प्रेस करता है जिससे कि गाड़ी के व्हील एकदम से लॉक ना हो और धीरे धीरे करके गाड़ी के व्हील लॉक होते हैं और गाड़ी आसानी से रुक जाती है। नॉर्मल ब्रेक के मुकाबले एबीएस से गाड़ी काफी जल्दी रुक जाती है। दोस्तों, ये समझे कि एबीएस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, उससे पहले एबीएस के कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं, एबीएस का पास्ट कैसा रहा है। दोस्तों, एबीएस टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एबीएस काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एबीएस टेक्नोलॉजी कब की है। दोस्तों, एबीएस सबसे पहले 1929 में एयरक्राफ्ट में यूज की गई थी। 1929 में सबसे पहले एयरक्राफ्ट में एबीएस को यूज किया गया था। उसके साथ ही 1966 में पहली ऐसी कार आई थी जिसमें एबीएस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी में धीरे 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 करके डेवलपमेंट्स हुए और 1980 में लगभग आम लोगों के लिए एबीएस टेक्नोलॉजी कार्स में देखने को मिलने लगी। और आज तो आप देख रहे हैं कार्स के साथ बाइक हो फिर या कोई भी ऑटोमोबाइल हो, उसमें आपको एबीएस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि एबीएस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, एबीएस कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एबीएस कोई कंपोनेंट नहीं है जिसको आप अपनी गाड़ी में लगाएंगे और एबीएस आपका काम करने लग जाएगा। दोस्तों, एबीएस है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसे हम एबीएस कहते हैं। दोस्तों, एबीएस का ही एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है स्पीड सेंसर। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या काम करता है। दोस्तों, स्पीड सेंसर का काम होता है आपकी गाड़ी की हमेशा स्पीड पर निगरानी रखता है। वो हमेशा ये देखते रहता है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है और इस स्पीड डाटा को ही वो कंट्रोलर के पास भेजता है। कंट्रोलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा आप सभी का कंप्यूटर का सीपीयू काम करता है। दोस्तों, जो ये डाटा होता है, जो स्पीड सेंसर कंट्रोलर के पास जो डाटा भेजता है, इस डाटा में होता है आपकी स्पीड, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी और आपकी गाड़ी की डीएसिलेशन इन स्पीड। और डीएसिलेशन इन स्पीड कब होगा, जब आप अपनी गाड़ी का अचानक से ब्रेक दबाएंगे तो आपकी गाड़ी डीएसिलेट होगी, यानी आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी। ये स्पीड में आई कमी को ही स्पीड सेंसर सेंस करके कंट्रोलर के पास भेजता है और कंट्रोलर उसी समय आपके एबीएस को एक्टिवेट कर देता है। दोस्तों, जब आपने ब्रेक दबा लिया और आपका एबीएस एक्टिवेट हो गया तो उसके आगे को क्या होता है। दोस्तों, उसको आगे को होता है कि कंट्रोलर ये चेक करता है कि आपके कौन से व्हील की स्पीड सबसे तेजी से कम हो रही है, यानी किसका डीएसिलेशन सबसे तेजी से हो रहा है, और ये पता करने के बाद काम शुरू हो जाता है वॉल्व का। दोस्तों, वॉल्व को काम ये होता है कि जिस किसी भी व्हील का डीएसिलेशन सबसे तेजी से हो रहा है
वॉल्व उसका ब्रेकिंग फोर्स को थोड़ा कम कर देता है, इससे कि सभी टायरों का एक्सीलरेशन लगभग लगभग बराबर बना रहता है, सबकी स्पीड लगभग लगभग सेम बनी रहती है। जब लगभग सभी की स्पीड सेम होती है तो फिर एबीएस हल्के से ब्रेक प्रेस करता है और इसे ही हम डीएक्सीलरेशन बोलते हैं, और जब ब्रेक को हल्के से रिलीज करता है तो इसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। दोस्तों यही एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन की प्रोसेस चलते रहती है दोस्तों होने के लिए। प्रोसेसेस हमारे लिए कभी लंबी लग रही है लेकिन ये प्रोसेस लगभग 1 सेकंड में 20 से 25 के बीच में होती है, काफी फास्ट फास्ट एबीएस इस प्रोसेस को कर लेता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमें इस वक्त करना क्या होता है, हमें इस समय कुछ भी नहीं करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने ब्रेक प्रेस कर रखा है ऑलरेडी, एबीएस को पता है उसे क्या करना है, हमें इसमें कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, एबीएस अपने काम को आसानी से अच्छे से कर लेता है और इस एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन को एबीएस अपने आप से कंट्रोल कर लेता है और आपकी गाड़ी काफी ज्यादा दूर रुकने के बजाय काफी कम दूरी में आसानी से रुक जाती है। दोस्तों अभी तक तो आशा करता हूँ कि आपको एबीएस समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई एबीएस के बारे में कंफ्यूजन है तो आप इस एग्जांपल को सुन लीजिए, उसके बाद शायद आपका ये कंफ्यूजन भी ना रहे। दोस्तों मान लीजिए आप कोई भी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपने बिना सोचे समझे आंखें बंद करनी है और गाड़ी का ब्रेक प्रेस कर देना है। इससे होगा क्या, मान लीजिए आपकी गाड़ी नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम वाली है, आपके व्हील लॉक हो जाएंगे, आपकी गाड़ी आगे को घिसेगी, इसमें आपको चीं की आवाज आती है, आपने कई बार सुना भी होगा, और उसके साथ ही आपकी गाड़ी आगे को घिसेगी। अगर आपकी गाड़ी में 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आगे जाएगी ही जाएगी, और अगर ये नहीं होता है तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी और उसके बाद तो आप जानते ही हैं आगे क्या होता है। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी विथ एबीएस आती है, एबीएस के साथ आती है, तो क्या होगा, आपने करना फिर भी वही है, आपने आंखें बंद करनी है और अपना ब्रेक को प्रेस कर देना है, उसके बाद आपका एबीएस एक्टिवेट हो जाएगा। एबीएस के एक्टिवेट होने के साथ ही एबीएस अपने कंपोनेंट की मदद से आपकी गाड़ी की स्थिति समझने की कोशिश करेगा, वो स्पीड सेंसर की मदद से समझेगा कि आपका कौन सा व्हील अभी लॉक होने वाला है और वॉल्व की मदद से उसे लॉक होने से बचाएगा, लेकिन उसकी यानी लॉक होने से बचाएगा यानी उसकी ब्रेकिंग फोर्स को कम कर देगा, उस टायर पर जो ब्रेक लगा हुआ है उसकी ब्रेकिंग प्रेस कि जो पावर होती है उसे थोड़ा रिलीज कर देगा, इससे आपका व्हील थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगा और फिर जब चारों व्हीलों की स्पीड लगभग लगभग बराबर हो जाएगी तो वो फिर से सभी व्हील्स पे ब्रेक प्रेस करेगा और फिर ब्रेक को रिलीज कर देगा, फिर ब्रेक प्रेस करेगा, फिर ब्रेक को रिलीज करेगा। इसी काम को वो 1 सेकंड में करीबन 20 से 25 बार आसानी से कर लेता है और इसी के साथ आपकी गाड़ी बहुत कम दूरी पर ही रुक जाती है और नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम के हिसाब से एबीएस काफी सेफ होता है। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस इतनी ना है कि गाड़ी वहां तक जाने तक रुक ना पाए, लेकिन तब तक आपकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी और हैंडल पर तो आपका कंट्रोल है ही, तो आप गाड़ी को साइड से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम में आप हैंडल पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आप चाहे गाड़ी को इधर को मोड़ाए इधर को मोड़ाए गाड़ी अपने मन मुताबिक आगे को चलते रहेगी, लेकिन एबीएस में आपका स्टेयरिंग पर पूरा कंट्रोल होता है, आप साइड से भी अपनी गाड़ी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि एबीएस कैसे काम करता है और एबीएस हमारे लिए कितना यूजफुल है। दोस्तों बात करें एबीएस के कंपोनेंट्स की तो एबीएस के कंपोनेंट्स है स्पीड सेंसर और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट और हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट और वॉल्व। इसके साथ एबीएस 2 टाइप का होता है, 4 चैनल 4 सेंसर एबीएस और 3 चैनल 3 सेंसर एबीएस। आज की इस वीडियो में आपसे इन सभी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आएगी एबीएस पार्ट 2 के नाम से। अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है तो इस अगली वीडियो को आप जरूर से देख लीजिए कि उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेंसर कैसे काम करता है और स्पीड सेंसर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, वॉल्व कैसे काम करता है, उसी के साथ एबीएस के जो 2 टाइप होते हैं उनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसी वीडियो में इन सबके बारे में बात करूंगा तो एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाती है और सब फिर दिमाग के ऊपर से निकलने लग जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। Oh my heart is there.